था, मेरे सारे वहाँ BDCs थे, वहाँ सरपंच साहिबान थे, वहाँ हर किस्म के लोग थे, वहाँ कांग्रेस के लोग थे, वहाँ पर नेशनल कौन अलग अलग, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी किसी पार्टी के साथ जुड़ा है। आप अगर उस वीडियो को देख सकते हैं आप, हाँ किसी पर्टिकुलर इंसान को कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो अपना जो उसका जो सिस्टम था वो चला रहा था, शायद मेरे जाने से उसके उस काम में खलल पड़ सकती है। तो किसी के इतने छोटे से इशू को लेके मैं कभी अपने आप को इतना नहीं समझती कि किसी ने कहा और मैं अपना काम बंद कर दूँ, वो उनकी गलतफहमी है। हम जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमने लड़ना है, जो वहाँ के बेरोजगार लोग हैं जिनकी ज़मीनें गई हैं, जिनकी ज़मीनें डैमेज हुई हैं, जो लोग घर से बेघर हो गए जिनकी, और ख़ासकर मैं वहाँ पर हसन बास मैंने दौरा किया, जिस हसन बास की आप बार बार वीडियो वायरल देखते हैं, हसन बास एक ऐसा एरिया है जहाँ कम्प्लीटली सभी जितने भी वहाँ हाउस होल्डर्स हैं वो वहाँ से जो है रिहेबिलिटेट हो रहे हैं। और मेरा वहाँ पर यही कहना था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैंने बात की कि इनको रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए क्योंकि कम्प्लीटली उनकी मकान उनकी ज़मीनें वहाँ पर ख़त्म हो रही हैं। तो नेचुरली ये मेरा काम है, मुझे इसमें कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए लोगों ने मुझे चुना है। अगर मैं उस वक्त चुप रहूं तो मैं किसी के मना करने से मैं रुकने वाली नहीं हूं क्योंकि मेरा काम है, मैंने हर एक आदमी का काम करना है जो मेरे पास आएगा। मैंने पार्टी नहीं देखनी है, ना मैंने कभी देखी, जो मुझ तक पहुंचेगा या जिस इलाके में कोई प्रॉब्लम होगी, आप देख लीजिए कल यहाँ GMC में प्रॉब्लम हुई, यहाँ हमारा एक बच्चा जो वरनाल का था वो 13 साल की उम्र में डेथ कर दिया जिसकी लेग फ्रैक्चर थी, आपने शायद देखा होगा, मैंने उस पर भी बयान दिया क्योंकि मैं वहाँ पहुँच नहीं पाई, जब तक मैंने सुना वो तब तक निकल गए थे। तो ये मेरी जिम्मेवारी है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी मुश्किल आती है चाहे वो डेवलपमेंट के लिहाज से है चाहे वो और किसी बेरोजगारी के लिहाज से है, हमें लोगों ने मैंडेट दिया है, लोगों ने इसीलिए तो चुना है कि हम उनके हक की बात करें। अगर कहीं पर मैं गलत हूँ तो लोग उस चीज़ को साबित कर सकते हैं। और मैं तो अभी बार बार अगर ये चीज़ होती है, क्योंकि अभी तक 2 बार मेरे खिलाफ उस आदमी ने बयान दिया है, अगर 3री बार भी देता है तो मैं तो उसके खिलाफ जो है FIR काटूंगी, मैं कितनी बार उसकी उस गलती को बर्दाश्त करूंगी। अभी तक तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है इन फजूल बातों के लिए क्योंकि काम बहुत है। डेवलपमेंट के लिहाज से पहले गवर्नमेंट ही हुआ करती थी, MLAs होते थे, मिनिस्टर्स होते थे और बहुत सारे रास्ते होते थे गरीब लोगों के लिए कि जहाँ वो अपना जो है प्रॉब्लम्स लेके जाते थे। अब वही एक फोरम है जहाँ पर लोगों की मुश्किलात का अजाला करने के लिए उनकी उम्मीदें हम पे हैं। अगर हम इन अननेसेसरी बयानों पे और अननेसेसरी लोगों की उन इश्यूज़ पे जाएं तो हम अपना जो हमारा मकसद है उसको खो बैठेंगे।